खाजगी कॉलेज में हुई हिंसा और अश्लीलता और गुंडागर्दी को देखते हुए अब आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कॉलेज में गई और वहां से उन्होंने छात्राओं से रूबरू हुई और उनकी शिकायत को लेकर काफी कुछ कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी ऐसी घटना हुई है और पुलिस प्रशासन वहां चुप्पी साधे और एक तरह से अपनी इन नाकामियों को उजागर करते हुए दिखाई दे रहे थे। गार्गी कॉलेज में हुई इस दुष्कर्म के मामले को लेकर और हुई हिंसा के मामले को लेकर और जिस तरीके से छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर स्वाति मालवाल ने अपना एक बयान सामने रखा है और उन छात्राओं के हक में अपनी आवाज बुलंद की है। क्या कुछ स्वाति मालवाल यहाँ कहती हुई नजर आ रही है, देखे इस वीडियो में। जो मैंने सुना है अभी तक, जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो सच में बहुत ही ज्यादा डराने वाली है। बताया जा रहा है कि आपके फेस्ट में बाहर से लड़के आए, उन्होंने ग्रोप किया, उन्होंने टच किया, उन्होंने मोलेस्ट किया और वहां पे पुलिस वाले भी खड़े थे और उन्होंने कुछ नहीं करा। यही बात है जो सामने आई है। और मैं अब जब आप लोगों से बात कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि पिछले साल भी एग्जैक्टली यही हुआ था। तो ये पहली बात, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्हें कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए और इनकी कंप्लेंट सेपरेट कंप्लेंट होनी चाहिए। इनकी कंप्लेंट सेपरेट कंप्लेंट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जब वहां पे टीचर्स खड़ी थी और जब वहां पे इनका ऑफिसर्स खड़े थे और इतने सारे लोग अंदर एंटर कर रहे हैं, जबरदस्ती एंटर कर रहे हैं जिनके पास पासेस नहीं है, तो फिर इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्ड करके 100 नंबर पे कॉल करने की जरूरत थी, काम करना चाहिए था। अगर 3:30 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे ये हंगामा चला है, दिस इज नॉट गुड एंड दे कैन नॉट वॉश ऑफ देयर हैंड्स एंड दे डेफिनेटली कैनॉट से एंड दे डेफिनेटली कैनॉट से कि व्हाई कम टू द फेस्ट। ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई कि सड़क पे चलती क्यों हो अगर तुम्हारा रेप हो जाएगा, छोटे कपड़े क्यों पहनती हो, रेप हो जाएगा, अभी गर्मी क्यों रहती हो, रेप हो जाएगा। The Delhi Commission for Women, we are issuing a notice to your organization, to your university. हम प्रिंसिपल को नोटिस इशू कर रहे हैं। मैं आई थी उनसे मिलने के लिए, समझने के लिए। नोटिस इशू हो रहा है उनको और हम ये जानना चाहते हैं कि कोई 100 नंबर की कॉल प्रिंसिपल के। SPN 9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।